नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कॉनिक की टीवी है और उसमें जो आपका फॉल्ट आता है तो कौन सा फॉल्ट आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो कॉनिक की टीवी है तो इसमें फॉल्ट ये है कि आपकी जो HD है तो HD आपको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फूल गई है और ये टीवी चल नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर सप्लाई को चेक करने पर पावर सप्लाई पूरी तरह से काम कर रही है इस साइड का, और जो आपका ये 110 वोल्ट होता है ये बड़े कैपेसिटर पे 110 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया, डायोड लगा हुआ है 110 वोल्ट और फिर इसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें मैंने चेक किया है तो दोनों शॉर्टिंग बता रहा है। दोनों शॉर्टिंग बताने के बाद मैं फिर एक बार डायोड को निकाला और इसके बाद डायोड को चेक किया तो डायोड एकदम सही बता रहा था, कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा था। तो इसमें जब ऐसी समस्या आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका HD में 110 वोल्ट जाता है, 110 वोल्ट आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि ये आपका डायोड है, डायोड के बगल में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से होते हुए यहाँ से होते हुए आपका 110 वोल्ट यहाँ पास पहुँचता है और इसके बाद आपके HD में जाता है। तो HD जो आपकी है तो वो शॉर्टिंग हो रही है, शॉर्ट कर रही है पूरी तरह से और एकदम से शॉर्ट हो गई है जिसके कारण से पूरी शॉर्टिंग यहाँ पास बता रहा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले HD की जो आपकी लाइन होगी 110 वोल्ट को उसको काट देना है या फिर आपको HD को निकाल देना है पूरी तरह से। और फिर इसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पास कि आपका 110 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपका 110 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपके यहाँ पास एक IC लगी हुई है 4 पिनों की, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और यदि आपका 110 वोल्ट आ रहा है यहाँ पास तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको HD चेंज कर देना है और HD लगा के ऑन कर देंगे तो आपको पूरी तरह से TV चालू हो जाएगी। तो मैं आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा कि क्या कैसे होता है, तो वीडियो में बने रहें और देखते जाएं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने HD थी तो HD को मैंने निकाल लिया है और इसका जो ट्रांजिस्टर था तो ट्रांजिस्टर भी ख़राब है। तो मैं इसको दोनों को चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद TV को ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद देखता हूँ कि इसमें और क्या समस्या आ रही है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि एक HD मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ट्रांजिस्टर था तो ट्रांजिस्टर को भी मैंने निकाल लिया पूरी तरह से और HD को लगा के सोल्डिंग करता हूँ और TV को ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या रिस्पांस रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें HD को लगा दिया है। HD लगाने के बाद अब इसमें बचता है आपका ट्रांजिस्टर लगाने के लिए। ट्रांजिस्टर का आप नंबर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि आपका 296 नंबर है, 5296 आपका ट्रांजिस्टर नंबर है। ये ट्रांजिस्टर आपको लगेगा क्योंकि HD के साथ ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसको लगाऊंगा, HD कंप्लीट हो गई है, लग चुकी है और इसके बाद लगाने के बाद इसको TV को ऑन करूंगा और इसके बाद और आगे का प्रोसेस देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसका दोनों चीज़ चेंज कर दिया है, ट्रांजिस्टर और HD को। तो दोनों को चालू करने के बाद TV को मैंने ऑन किया है तो आपकी TV पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुकी है और ये TV आपकी चल चुकी है। ये देख सकते हैं कि चलना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आपका जो फॉल्ट था तो दो ही फॉल्ट था, आपका HD का फॉल्ट था और ट्रांजिस्टर का फॉल्ट था। तो मैंने दोनों को चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद आप इसको बहुत ही आसान तरीके से TV को बना सकते हैं। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि फॉल्ट क्या आया था, एक में HD का फॉल्ट आया था और ट्रांजिस्टर उड़ गया था जिसके कारण से इसमें जो 110 वोल्ट सप्लाई होती है वो सप्लाई नहीं बन रही थी जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा। तो सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और नमस्कार।